الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد پی ٹی آئی کے تمام انصافیوں کو وزیر اعظم عمران خان مبارک ہو. پاکستان میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا ہے. پاکستان میں آج بلے گانا بند کر لوگوں سے ساتھیوں سے گزارش کروں گا, ہمیں سڑک پر جو ٹریفک ہے اس کو رواں رکھنا چاہیے. ہمیں کوئی تکلیف کسی کو نہیں دینی چاہیے, کیونکہ ہمارے لیڈر نے یہ کہا ہے کسی کو تکلیف نہ ہو, کوئی ہمارے اس جشن فتح سے تکلیف میں نہ آئے. آپ سب لوگ آگے آ جائیں, گاڑیوں کو گزرنے دیں, گاڑیوں کو گزرنے دیں. مبارکباد دینا چاہتا ہوں, بالخصوص آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں جہاں پر عمران خان کی آتش بازی میں ختم ہو جائے, خیر میں اب میری بات بہت ہی بڑی توجہ سے سنیے. سب سے پہلے تو ہم سب کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے, خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے. پورا میڈیا عمران خان کے خلاف, اخبارات عمران خان کے خلاف, انتخابات سے پہلے عمران خان کے خلاف کتاب لکھی گئی. عمران خان کو کہیں پر بھی ایسا نہ چھوڑا گیا کہ وہ اپنے عوام میں جا کر لوگوں سے خطاب کر سکے, بات کر سکے, متوقع وزیر اعظم کا یہ خطاب ہے. میرے خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے اعلان کر دیا کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس کو یا تو ایجوکیشن یونٹ بنائیں گے یا ہوٹل میں تبدیل کر دیں گے. پاکستان خدا کی قسم تبدیلی کے راستے پر چل پڑا ہے, پاکستان تبدیلی کی منزلوں پر گامزن ہے. آج کراچی والوں نے ثابت کر دیا کہ کراچی کھپوں کا شہر نہیں ہے, کراچی جیتے جاتے انسانوں کا شہر ہے. کراچی کے ووٹر نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ
पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो पाक फौज के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान के रेंजर्स के साथ खड़ा है, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ा है, वो अपने सब्ज हिलाली परचम के साथ खड़ा है। लिहाजा अब बड़ा काम का वक्त है, अब ये जीतने का जश्न अपनी जगह पर। लेकिन आपने देखा, मैं जब आखिरी दिन थे इलेक्शन के, तब भी मैं जिन हलकों में जा रहा था, मेरे चेहरे पर खुशी या मसरूर होने के तासुरात नहीं थे। मैं अभी भी खुश या मसरूर नहीं हूं, क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे डिलीवर करना है। मैं एमएलए बनने नहीं आया था, मैं लाइन एरिया को लीज ला रहा हूं, मैं मॉडल क्वार्टर, जमशेद क्वार्टर, पेटन क्वार्टर, पाकिस्तान क्वार्टर, जमशेद क्वार्टर, ईस्ट वेस्ट, उन सबके घरों को पक्का कराने के लिए आया हूं। मैं कराची में अपने हलके में पानी पहुंचाने आया हूं, सड़कें बनाने आया हूं। लिहाजा हमें काम करना है, काम, और काम के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। हम सबको मिलकर, हम सब अब एक हैं, हमारी 14 यूसीज और यहां पर मुख्तलिफ यूसीज आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पीआईबी फारूक सत्तार साहब, आपको आपके घर में आना है मेरे, आपको आपके घर में आना है। और मेरा घर खुदादाद कॉलोनी, यहां से मैंने आपको 5000 की लीड से आना है। लाइन एरिया के अवाम, लाइन एरिया वाले, ये दाएं तरफ पूरा लाइन एरिया है, ये इनका वोट बैंक कहलाता था, यहां पर 15000 की लीड से जीता हूं मैं। पूरा मीडिया, कल से पूरा मीडिया ये दिखा रहे हैं, आमिर लियाकत हार गया। आमिर लियाकत ने कहा था मैं नहीं हारूंगा, मैं इसलिए कहा था कि मैं नहीं हारूंगा क्योंकि मुझे यकीन था, मुझे इत्मीनान था कि मेरा कप्तान, मेरा इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने जा रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि उसके नए पाकिस्तान में उसका आमिर साथ ना हो। अब हम पाकिस्तान में बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में प्रो पाकिस्तानी, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान से प्यार करने वाले पार्लियामेंट में आ गए। भारत अब होशियार रहना, भारत अब होशियार रहना। अब तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि भारत वो कप्तान असेंबली में है जिसने तुम्हें इंडिया में क्रिकेट में शिकस्त दी थी। आकर तुमने बहुत प्रोपेगेंडा किया इमरान खान के खिलाफ, तुमने बहुत प्रोपेगेंडा किया इमरान खान के साथियों के खिलाफ, लेकिन अब भारत को भी अंदाजा हो जाएगा। सिंधी मुस्लिम से हमारे इनका कच्ची आबादी का मसला है, और मैंने इनसे जाकर कहा था कच्ची आबादी को लीज कराऊंगा, वादा है आपसे पूरा। मैं अपने जिस जिस से जो जो वादे किए, खुदा की कसम, अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, मैं आपको डिलीवर करूंगा। मेरे रब ने मुझे मौका दिया है, मैं अपनी पूरी टीम का, मैं अपने मुबशर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मुबशर भाई, इनका नाम मुबशर था, तो मैंने कहा मुझे पहली खुशखबरी मिल गई है। मुबशर का मतलब होता है खुशखबरी। बिलाल गफ्फार भाई हमारे पीएस, अच्छा ये फौजिया यहाँ मौजूद है, इन्होंने ऑफिस पूरा संभाला, साकिब ने ऑफिस संभाला, कामरान मजाब ने ऑफिस संभाला, फयाज हुसैन ने ऑफिस संभाला, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम जलाली साहब, यूसीपीस के बाजवा साहब, यूसीपीस के जितने साथी हैं, यूसीपीस मुझे आप पर फख्र है। और ये आला साहब, घाजी भाई, जितने लोग हैं, मलिक साहब का है, मलिक दास साहब का है, मलिक दास साहब का है, टीम फौजी सिद्दीकी की टीम, और बोले भाई सबकी टीम, अकेला कोई नहीं होता, टीम होती है। आपके क्या चीजें आती है, टीम होती है भाई, टीम होती है। इमरान मुगल नाइजीरिया, जुबैर अकरम नदीम पीआरबी, और आसिफ यूसी साहब, बता दो नासिर अकबानी, यूसी पंद्रह नासिर अकबानी, हामिद तबाक, यूसी सोलह,
यासिर, यासिर कौन सी? यूसी चौदह। अली इमरान, बाकी बाकी सारे आसिफ मेमन, यूसी पंद्रह बारह, जितने लोग हैं साजिद खान साहब 115, जितने हमारे साथी हैं सब ने मेहनत की और मेहनत का सिला आज मिल गया है। अब ये नारा नहीं होगा, अब ये नारा नहीं होगा जो इलेक्शन में लगाते थे कि पानी नहीं है नलके में, सोच के आना हल्के में। अब हम कहेंगे पानी पानी है नलके में, आया करो हल्के में। और मैं पानी की किल्लत से डॉल्फिन की मौत पर पूरी कौम को ताजे के साथ समझे। पानी की किल्लत की वजह से, पानी की किल्लत की वजह से डॉल्फिन का सारे इतिहाल हो गया है, पूरे शहर में डॉल्फिन मर गई है, पतंग फट गई है, तीर उनके अपने कलेजों में घुस गया और क्रेन क्रेन नदी में उल्टी पड़ी है। जिन्होंने कहा था दिया जलाए रखना, उनको मैं कहता हूं दिए बुझा दो, अपनों का वोट उनके सपनों के लिए चला गया, तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ गई है, इमरान खान आ गए। अब ना कोई दिया जलाए रखना है, ना अपनों का वोट अपनों के लिए। हम अपने भी मौजूद हैं, हम वोट भी देने वाले मौजूद हैं। पाकिस्तान की आज कामयाबी का दिन है। मैं इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान रेंजर्स का, पुलिस का, जिन्होंने इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम संभाले में। रेंजर्स वालों आए हमारे सर का ताज है। एक मिनट भाई, रेंजर्स वालों आप हमारे सर का ताज है। फौज हमारी पाक फौज पाकिस्तान के लिए लड़ने वाली फौज है और हर पाकिस्तानी अपनी फौज के पीछे खड़ा है। आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। जरा मिलके नारा लगा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद।